हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो एक्सपर्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे इथेरियम के बारे में। इथेरियम का 2.0 क्या है और इथेरियम का प्राइस इतना पंप क्यों कर रहा है। आप देख रहे होंगे जब बिटकॉइन अगर 2-3% पंप करता है तो इथेरियम 5-6% पंप कर रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली इथेरियम में एक्चुअली अकोमोडेशन किस जोन में हुआ ये सब हम लोग देखेंगे। और इथेरियम का प्राइस जिस जोन में हमने जहाँ पर सेफ बाइंग की थी वहाँ से प्राइस कितना ऊपर है। जैसा कि मैंने कहा था कि इथेरियम वहाँ से 2x होगा, देखते हैं। और उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सीधे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और ये हमारा टेलीग्राम जहाँ पे हम लोग फ्री में अपडेट देते हैं। फ्री अपडेट मतलब फ्री चैनल है अपना, अपनी कम्युनिटी वालों के लिए। और इसमें आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हर वक्त वीडियो नहीं बना पाते इसलिए। और ये जो वीडियो और ये जो चैनल है इसमें आपको फ्री में क्रिप्टो सिग्नल्स भी मैं देता हूँ, लेकिन ये स्पॉट्स के लिए होते हैं क्योंकि फ्यूचर में क्या गाइड करना पड़ता है ना पर्सनल। इसलिए आप ये फ्री वाले हैं, आप इनमें ट्राई कर सकते हैं सिग्नल्स को। अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं लो मनी के साथ तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, सेफ सिग्नल्स रहेंगे ये। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। अब आप देखिए ये हमारे सामने चार्ट खुला इथेरियम का 4 आवर में। लास्ट टाइम जो हमारा बाय जोन था ना वो देखिए मैंने सेफ बाय जोन आपको $900 के आसपास दिया था। मैंने कहा था यहाँ से पैर 2x होगा ऑलमोस्ट। अभी हम 70% ऊपर हैं, यहाँ से 30% और ऊपर जाने के चांसेस है, वो जाएगा क्योंकि मैंने आपको सेफ बाय जोन पहले दे दिया था। मैंने कहा था कि आप यहाँ पे सेफ ऑर्डर बाय करें, यहाँ से 2x लेके चलें। इथेरियम का 2.0 अभी आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ से तो आप 2.0 में तो आप एटलीस्ट ये मांग चलें कि प्राइस कम से कम 2x जाएगा, ये प्राइस लेके चल सकते हैं। इसलिए आपको अभी जो इथेरियम का जो रेजिस्टेंस है वो 1600 के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे ना प्राइस एक बार टूटेगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्राइस जो है कई बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। ये देखिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से 4 रिजेक्शन हो चुकी हैं। तो ये लेकिन ये गुड साइन है क्योंकि प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, प्राइस जो है ऊपर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। तो हो सकता है आपको ये रेजिस्टेंस टूटने को देखने को मिले, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिएगा, या तो आप ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लो या रिजेक्शन कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लो। अभी डे क्लोजिंग जो है 5:30 बजे की, उसके होने के बाद ही सही पता चलेगा कि इजीली ये फेक आउट तो नहीं है कहीं। अदरवाइज़ बाकी प्राइस एक्शन बिल्कुल सही है, बुलिश मार्केट है, बुलिश अभी चल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश हो रही है ऐसा देखने में मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली सितंबर में इथेरियम का अपडेट है। तो हो सकता है इथेरियम तब तक चले ऑलमोस्ट $3,000-4,000 तक पहुँचे, क्योंकि इथेरियम का बहुत बड़ा इवेंट है 2.0, ठीक है, जिसके भी डेट हम लोग आगे देंगे कि वो एक्चुअली किस डेट को होने वाला है। और हमारे सेफ बाय जोन से तो आप देखेंगे तो एटलीस्ट कम से कम हम लोगों ने 70% अब प्रॉफिट बना लिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो आप पक्का प्रॉफिट ही बनाएंगे, क्योंकि पहले ही आपको पता चल होगा कि जिस प्राइस में आने वाला है। अब यहाँ पर जिसने ट्रेड ली होगी 900 के आसपास, वो तो सोचिए अभी ऑलमोस्ट 70% ऊपर हैं आप, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इवेंट कब है। तो अभी देखिए अभी इथेरियम का जो इवेंट है ना वो आपको 19 सितंबर को देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इथेरियम अपना मेननेट नोड लॉन्च करेगा और 2.0 इसमें आएगा। इसमें क्या होगा, 2.0 से क्या होगा कि जो इथेरियम के नेटवर्क की जो फीस है ना वो बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या है, जो छोटे ट्रांजेक्शन में बड़ी फीस चार्ज होती थी वो कम होगी। तो उससे क्या है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी होंगे तो ये डीमैप बनेंगे। और हो सकता है इथेरियम पे मतलब क्या है, आपको ज़्यादा बाय प्रेशर देखने को मिले इस टाइम के अकॉर्डिंग। 19 तक हो सकता है आपको इथेरियम पे अच्छा खासा बाय प्रेशर देखने को मिले, प्राइस $3,000-4,000 तक चला जाए, क्योंकि ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सितंबर 2022 के सेकेंड क्वार्टर में होने वाला है ये। तो इस इवेंट की इंपॉर्टेंस है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आप इथेरियम को मैंने पहले भी 800-900 दिया था कि 2x वहाँ से लेके चलिए, और अभी भी यहाँ से भी इथेरियम ऑलमोस्ट 2x अभी नहीं होगा, मतलब 16,000 टूटने के बाद ऑलमोस्ट 50% 60% आप लेके चलें, ठीक है, स्पॉट बाइंग के लिए। और अभी आप इथेरियम में देखेंगे तो ये देखिए ब्रेकआउट बन रहा है, हो सकता है ये आपको आज मॉर्निंग की जो कैंडल है डे क्लोजिंग 5:30 बजे की होगी सुबह, उस तब तक क्लियर हो जाएगा प्राइस एक्चुअली कितना बुलिश है यहाँ पे। और ये अकोमोडेशन जोन देखिए यहाँ पे, ये अकोमोडेशन था इथेरियम का जहाँ से उसने प्राइस को ऊपर ले लिया सीधा। तो आप प्राइस एक्शन जो है ना इथेरियम का बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, सितंबर तक भी बुलिश चलेगा ये।
इसलिए आप ये मत सोचे, थोड़ी बहुत हो सकता है डंप देखने को मिले, पर इतना लंबा डंप नहीं आएगा कि एग्जैक्ट आप सोचें आप $800-900 जाएगा। अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, अभी आप जिसके बाद जो डंप देखने 7.5-12 के आसपास आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।